स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस। जैसे बच्चों, आप सबको पता है कि सितंबर में आपके एग्ज़ाम हैं, तो उसकी आज हम एक अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे। साइंस चैप्टर हम बेटा आपके इसमें लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 पूरे 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। इनमें से हम स्टार्टिंग के 4 और 5 का रिविज़न आज करेंगे। मेनली कुछ कुछ मतलब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स लर्न करेंगे, ठीक है? ओके, जैसे कि अगर लेसन नंबर 1 की बात करें, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस, इट्स कॉल्ड क्रॉप। ओके, फिर उसके बाद क्रॉप के बेस पे, सीजन के बेस पे, जिस टाइम पे वो ग्रो की जाती है उसके बेस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। दैट्स इट, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में और रबी क्रॉप कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। इसके कुछ एग्जांपल्स लर्न करेंगे। खरीफ क्रॉप जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एट्सेट्रा। रबी क्रॉप कौन कौन सी होती है? वीट, ग्रैम पी एंड मस्टर्ड। ओके, फिर उसके बाद हमने की थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर करने, कृषि करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल को प्रिपेयर करना, इसे कहते हैं टीलिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को पलटना, ठीक है? सेकेंड, हमने सोइंग, अच्छे शीट्स का सिलेक्शन करना और उसको बोना। थर्ड है मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, उसमें ऐड करना। मैन्यूर कौन से होते हैं? जिन्हें फार्मर्स अपनी फील्ड में बनाते हैं बाय द वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। यस, जिसे कहते हैं ह्यूम्स। सुना है ना आपने ह्यूम्स? द रेड डॉट मैटर इन द सॉइल, जिसे सॉइल ब्लैक कलर की जाती है, एक्चुअली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी ऐसे ही होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी, ये दोनों क्या, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना, फर्टिलिटी को गेन करते हैं। पर फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? मैन मेड, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। ओके, इरीगेशन, सिंचाई करना टाइम टू टाइम, डिफरेंट इंटरवल्स में पानी देना, वाटरिंग करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड से प्रोटेक्ट करना। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट दैट आर ग्रो विद अवर क्रॉप, अपनी क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अप हो जाते हैं, उनको अलग करना। जैसे कि या तो उन्हें टीलिंग के टाइम पे अलग कर दिया जाता है, या फिर पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं, या फिर वीडिसाइड्स यूज किया तो कुछ केमिकल्स जिससे वीड्स फिनिश हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई करना, डिफरेंट टाइम पे फसल को या क्रॉप को काटा जाता है और बाद में इसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ या केमिकल्स सुखा कर अच्छे से कुछ मटेरियल मिला के इसको स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में। ओके, इस चैप्टर में हमने इसकी पूरी प्रिपरेशन की। इसी टाइप से जो मेन वर्ड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये याद होने चाहिए। जैसे कि इसमें मॉडर्न मेथड में हमने स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया था, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं? डायरेक्ट जो पेड़ है उसकी जड़ में, उसकी रूट में डायरेक्ट दिए पाइपलाइंस के द्वारा वाटरिंग की जाती है। स्प्रिंकल सिस्टम जैसे कि फुव्वारा, फाउंटेन टाइप, इस टाइप से इरिगेशन की जाती है, राइट बेटा? चलिए भाई, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते तो हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख पाते। वो कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं और कैसे हमारे को मतलब दुश्मन है, शत्रु कह सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स भी कहा जाता है। इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, बैक्टीरिया, फंजाय, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरसेस। ओके, चलिए इसके बारे में हमने, डिजीज किससे क्या क्या होती है, ठीक है? ओके, उसके बाद हमने, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते क्या है? सभी जगह रहते हैं, इन एवरीवेयर, सर्वाइव कर सकते हैं तीनों टाइप के एनवायरनमेंट में, चाहे वाटर है, चाहे एयर है और चाहे सॉइल है। ये चाहे आइस कोल्ड क्लाइमेट है या फिर हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट है, मार्शलैंड, सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है? यस, फर्स्ट ऑफ कर्ड और ब्रेड बनाने में। यस, इसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? एक बैक्टीरिया जिसके कारण कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज होती है, ब्रेड बनाई जाती है। ओके, इडली और भटूराज है ना यूज़ किए जाते हैं। ऐसे यीस्ट है, यीस्ट भी एक क्या है यीस्ट, यीस्ट रिप्रोड्यूस होता है अच्छी और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करता है, जिसे कहाँ पर? बेकिंग इंडस्ट्रीज में, ब्रेड और पेस्ट्रीज, केक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कमर्शियल यूज़ क्या है? यीस्ट यूज़, कमर्शियल यूज़ जैसे अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए क्या यीस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है? और
उसके बाद है मेडिसिनल यूज़, यस बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सी एंटीबायोटिक्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज से बनाई जाती है, जैसे एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है एंटीबॉडीज़ क्या है, जब एक डिजीज कजिंग माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ओके। चलिए भाई, इसके बाद है इनक्रीज हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी गेन करते हैं, यस बैक्टीरिया है ना ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गास जो पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का वर्क करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को गेन करते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी कोई, आपने देखा काफ़ी टाइम तक कुछ वेस्ट पड़ा रहता है प्लांट का या डेड एनिमल, धीरे धीरे क्या है सॉइल में, सॉइल के अंदर कन्वर्ट होते चले जाते हैं, डिकम्पोज होते चले जाते हैं। ये डिकम्पोज करता कौन है, ये दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज, ओके। चलो भाई ये तो यूजफुलनेस, हार्मफुल कैसे होते हैं, ह्यूमेंस में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज पैदा करते हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा, जैसे कोल्ड है, स्नीज है, राइट, और बहुत से हैं जैसे कि बहुत सारे क्या है ट्यूबरक्लोसिस में, सबसे आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, या आप एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में भी डिजीज पैदा करते हैं, यस, जिसमें वायरस और द्वारा, जैसे कि एंथ्रैक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ओके। इसी टाइप से प्लांट्स में देखो सिट्रस कैंसर है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है एयर में, रस्ट ऑफ वीट है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, इस टाइप की बहुत सारी डिजीज हैं। फूड पॉइजनिंग भी क्या होता है, मेनली बाय बैक्टीरिया, जब खाने पे वॉक करता है उसको फूड स्टफ को कैसे स्पॉइल कर देता है, ठीक है। देन ना फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, हमने इसके बारे में जाना था, जैसे कि बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, केमिकल मेथड है, प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, जैसे सॉल्ट नहीं, सॉल्ट मिला के या ऑयल मिला के रख दिया जाता है, कॉमन सॉल्ट, नमक मिलाकर, शुगर जैम जैली एंड इसको ऐसे प्रिजर्व बाय शुगर, है ना, शुगर मिलाकर भी इनको प्रिजर्व किया, प्रिजर्व मतलब कि सुरक्षित करना, मतलब इस टाइम से थोड़े टाइम तक ताकि हम उसको चला सकें, बैक्टीरिया पर वर्क ना करें। ऑयल और विनेगर से प्रिजर्व कर सकते हैं, हीट ठंडा, पहले बहुत ज़्यादा हीट अप करके फिर ठंडा करके, इसे कहते हैं पाश्चराइजेशन रख के। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। चलिए लेसन नंबर 3, सम फाइबर एंड प्लास्टिक्स, फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, सिल्क क्या है, रेयन क्या है, नायलॉन क्या है, कब इसकी डिस्कवरीज हुई थी और इनके करेक्टर्स क्या है, पॉलिस्टर्स क्या है, एक्रीलिक क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, अगर चाहे तो आप मेरी वीडियो खोल के उसे एक बार और स्टडी कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या है, हम उसे क्यों चुने, इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते नॉन बायोडिग्रेडेबल, 4 R's के प्रिंसिपल में, फर्स्ट 4 रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड रिकवर, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन नाउ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इनके सारे करेक्टर्स, मेलेबिलिटी किसे कहते हैं, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मेलेबिलिटी व्हेन एनी मेटल बिटन इनटू थिन शीट्स इज द मेलेबिलिटी, व्हेन अ मेटल ड्रॉन इनटू वायर्स इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी, यस। देन व्हेन अ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दिस इज सोनोरस, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाते क्या है, मैग्नीश आयरन इस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपको याद करने हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, राइट। देन मेटल और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, राइट बेटा। बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक एक बीच बीच में जो एक एक नंबर क्वेश्चंस हैं मेन टॉपिक से उसे बहुत अच्छे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।